पीछे इसमें जो है हाईकमांड द्वारा करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम प्रदेश में सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर लोकसभा में ये पूरे प्रदेश में ही इस तरीके का एक वो रहा है, तो निश्चित तौर से उसका आंकलन होना बहुत आवश्यक है, करेक्टिव मेजर्स लेने बहुत आवश्यक है। और एक बात ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय स्तर पे मोदी मैजिक नहीं चला, मगर हिमाचल में चला है। तो क्यों चला है उसके ऊपर भी जो है वो हमको जो है चिंतन करने की आवश्यकता है, और कैसे उसको हमें आने वाले समय में इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक बात तो अब साफ है, एक बात पूरे तरीके से साफ है कि जो ये मोदी लहर की बात पहले करते थे और जिस तरीके से अब सरकार का भी गठन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, उसमें एक बड़ा बदलाव अब जो है वो देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर से उसके रिपरकशंस आने वाले समय में प्रदेश में भी होंगे, और प्रदेश के जो मसले हैं, जो प्रदेश के लंबित मसले केंद्र में पड़े हुए हैं, उनको कैसे हमने इस नए परिप्रेक्ष्य में उठाना है, वो भी देखने के लिए दिलचस्प होगा। क्योंकि हमने पिछले 15 महीने हम लगातार हिमाचल के हितों को उठाते रहे, हिमाचल में जो आपदा के दौरान इतना नुकसान प्रदेश का हुआ, उस विषय को हमने बहुत मजबूती से मुख्यमंत्री जी ने उठाया, हम सब ने उठाया, मगर उसको नज़रअंदाज किया गया है। अब जो एक नए परिप्रेक्ष्य में ये सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें नई सरकार बन रही है, अब वो कैसे हिमाचल की पैरवी उसमें होती है, ये चीज़ें आने वाले समय में हमको देखना है। मगर मैं कि कोई भी घटना किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ और ख़ास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं जो है वो जो हमारे जो किसान हैं उनके साथ भी है, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, जो पीछे जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया ये सब चीज़ें हुई, वी स्टैंड बाय देम। मगर ये कोई तरीका नहीं है अपनी उसको रखने का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें आप अपनी बात को, ग्रीवेंस को रख सकते हैं, मगर किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, पर्टिकुलरली वो भी आपके एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में, जहाँ पे सुरक्षाकर्मी की ये जिम्मेवारी है कि उसको किसी भी हर व्यक्ति की वहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखना है, और आप वहाँ पे उसको जो है उनको असॉल्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है, CISF कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जैसा मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कह देना, ये भी एक मैं समझता हूँ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। अब उन्होंने किस उससे लक्ष्य से किया है, क्या किया है, वो तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, जब इसकी तफ्तीश होगी तो उसमें चीज़ें निकल कर आ जाएगी, साफ हो जाएगी। मगर केवल सीधे ये कह देना कि ये आतंकवादी है, ये भी मैं समझता हूँ कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है।